हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम नर्सिंग फाउंडेशन का एक और टॉपिक पढ़ेंगे, हॉस्पिटल वेस्ट या वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं वेस्ट। वेस्ट, एवरीथिंग इज़ मेड फॉर अ डिफाइंड पर्पस, एनीथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड फर्दर यूज टर्म एज वेस्ट। तो हॉस्पिटल वेस्ट is any waste which is generated in the diagnosis, treatment or immunization of hospital of human beings or animals or in research in a hospital. This is also called biomedical waste. Hospital waste को जो होता है वो generate होता है diagnosis से, treatment से। जब हम एक patient को diagnose करते हैं या उसको treat करते हैं या immunization करते हैं उसका ह्यूमंस का या एनिमल्स का, तो हॉस्पिटल के अंदर ये वेस्ट बनता है। इसे हम बायोमेडिकल वेस्ट भी बोलते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट में आएगा मैनेजमेंट, मींस द मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय हॉस्पिटल यूजिंग सच टेक्निक दैट विल हेल्प टू चेक द स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट का मतलब है कि हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी टेक्निक्स यूज़ होती है हॉस्पिटल वेस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, इसलिए यूज़ होती है कि वो इन्फेक्शन को आगे स्प्रेड होने से बचा सकें। क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट में हम पढ़ेंगे WHO क्लासिफिकेशन। जनरल वेस्ट में हम पढ़ेंगे नो रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ, फॉर एग्जांपल है ऑफिस पेपर वर्क, पेपर रैपर, किचन वेस्ट, जनरल स्वैपिंग एक्सेट्रा। हैजार्डस के अंदर आएगा पैथोलॉजिकल वेस्ट, दूसरा आएगा शार्प, थर्ड आएगा इन्फेक्शियस वेस्ट, नेक्स्ट केमिकल वेस्ट एंड रेडियोएक्टिव वेस्ट। पैथोलॉजिकल में आएगा ह्यूमन टिश्यू और फ्लूड, एग्जाम्पल है बॉडी पार्ट्स, ब्लड, बॉडी फ्लूड एक्सेट्रा। शार्प के अंदर आएगा शार्प वेस्ट में आएगा नीडल, स्कैल्पल्स, नाइव्स, ब्लेड्स एक्सेट्रा। इन्फेक्शियस वेस्ट में आएगा विच मी ट्रांसमिट बैक्टीरियल, वायरल एंड पैरासाइटिक डिजीज इन ह्यूमन बींग। वेस्ट सस्पेक्टेड टू कंटेन पैथोजन, एग्जांपल है लेबोरेटरी वेस्ट जितने भी होंगे, कल्चर टिश्यू, बैंडेज एक्सेट्रा। केमिकल वेस्ट का एग्जाम्पल आएगा लेबोरेटरी रिएजेंट, डिसइंफेक्टेंट, फिल्म डेवलपर। नेक्स्ट आएगा रेडियोएक्टिव वेस्ट का एग्जांपल आएगा अनयूज लिक्विड फ्रॉम रेडियोथेरेपी और लैब रिसर्च, कंटामिनेटेड ग्लास वायर्स एक्सेट्रा। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट में नॉन हैजार्डस वेस्ट में सबसे पहले आएगा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल, इसके बाद पोटेंशियली इन्फेक्शियस वेस्ट, इसमें आएगा ड्रेसिंग, स्वैब्स, ड्रेसिंग, स्वैब्स, लेबोरेटरी वेस्ट, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन पेशेंट केयर। पोटेंशियली टॉक्सिक वेस्ट में आएगा रेडियोएक्टिव, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वेस्ट। ये सारा होने के बाद कैटेगरी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, सबसे पहला फर्स्ट कैटेगरी आएगा फोर्थ आएगा वेस्ट शार्प्स, फिफ्थ आएगा डिस्कार्ड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, नेक्स्ट आएगा सॉलिड वेस्ट और इसकी कैटेगरी नंबर 7 आएगी सॉलिड वेस्ट, कैटेगरी नंबर 8 आएगी लिक्विड वेस्ट, 9 नंबर आएगी इनसिनरेशन एस एंड 10 नंबर आएगी केमिकल वेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आएगा कंपोजिशन। कंपोजिशन में आएगा सबसे पहले केमिकल या रेडियोएक्टिव, हैजार्डस हेल्थ केयर 5% होता है, सबसे कम होता है। इन्फेक्शियस के अंदर हैजार्डस हेल्थ केयर वेस्ट 15%। नेक्स्ट आता है सबसे ज़्यादा जो है वो है जनरल, यानी कि नॉन हैजार्डस हेल्थ केयर वेस्ट 80%, टिपिकल वेस्ट कंपोजिशन इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज। कंपोजिशन आएगा अगला बायोमेडिकल वेस्ट का, नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होंगे वो 80% होंगे, पैथोलॉजिकल एंड इन्फेक्शियस वेस्ट 15%,
रेडियोएक्टिव या साइटोटॉक्सिक एंड हैवी मेटल्स आएंगे 1%, शार्प्स आएंगे 1%, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वेस्ट आएंगे 3%। सोर्सेज ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, मेन सोर्स ऑफ हेल्थ केयर रिस्क वेस्ट में आएगा, सबसे पहला जो आएगा वो आएगा वार्ड्स। वार्ड्स के अंदर होता है वो। नेक्स्ट आएगा सोर्स ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट में, मेन सोर्स ऑफ हेल्थ केयर रिस्क वेस्ट में सबसे पहले आएगा, सबसे ज़्यादा जाएगा वो अदर स्मॉल एरियाज कम्बाइंड 34%, वार्ड्स के अंदर आएगा 26%, थिएटर के अंदर आएगा 17%, लैब्स के अंदर 16%, ओपीडी एक्सरे एंड ए एंड ई के अंदर 1-3%। हेल्थ रिस्क फ्रॉम पुअर हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, इंजरीज फ्रॉम शार्प लीडिंग टू इन्फेक्शन टू ऑल कैटेगरीज ऑफ हॉस्पिटल पर्सनल एंड वेस्ट हैंडलर। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन आउटसाइड हॉस्पिटल फॉर वेस्ट हैंडलर्स एंड स्कैवेंजर्स एंड एट टाइम जनरल पब्लिक लिविंग इन द vicinities of hospital, risk associated with hazardous chemical drugs to persons handling waste to all levels. Who are at risk में सबसे पहला है doctors, and environment, ये सारे। health hazardous में सबसे पहला आएगा infection, दूसरा आएगा genotoxicity and cytotoxicity। ए जेनेटिक्स, जेंटोटॉक्सिसिटी डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल एजेंट दैट डैमेज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन विद इन अ सेल कॉजिंग म्यूटेशन विच मे लीड टू कैंसर। जेंटोटॉक्सिसिटी डिस्क्राइब करती है एक प्रॉपर्टी है जो केमिकल एजेंट की जो डैमेज करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सेल के अंदर और कॉज करता है म्यूटेशंस, जिससे कि क्या होता है, कैंसर होता है। साइटोटॉक्सिसिटी इज़ अ क्वालिटी ऑफ बींग टॉक्सिक टू सेल्स। नेक्स्ट आएगा केमिकल टॉक्सिसिटी, फिर आएगा रेडियो एक्टिविटी, हैज़ार्डस, फिर आएगा फिजिकल इंजरीज, फिर आएगा पब्लिक सेंसिटिविटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट। इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट नीड नेशनल पॉलिसी, स्ट्रैटेजी प्लान, गाइडलाइंस एंड SOP, लेजिस्लेशन, रूल्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, पॉलिटिकल कमिटमेंट, कमिटेड मैन पावर, गुड मैनेजमेंट, प्रॉपर बजटरी एलोकेशन। नेक्स्ट आएगा वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की, मोस्ट प्रोबेबल एंड लीस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल में सबसे ज़्यादा आएगा, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में वेस्ट मैनेजमेंट को डिस्पोज, ट्रीट, रिकवर, रीसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस एंड प्रिवेंट। ये है मैनेजमेंट ऑफ हायरार्की। मोस्ट फेवर्ड ऑप्शन में आएगा रिड्यूस, रीयूज। रिड्यूस के अंदर आएगा लोवरिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस, फिर आएगा रीयूज, यूजिंग मटेरियल्स सेपरेटली, फिर आएगा रीसाइकिल, यूजिंग मटेरियल्स टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स, फिर आएगा रिकवरी, रिकवरी एनर्जी फ्रॉम वेस्ट। नेक्स्ट आएगा लैंडफिल, सेफ डिस्पोज ऑफ वेस्ट टू लैंडफिल। WHO हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट साइकिल, वेस्ट मिनिमाइजेशन, वेस्ट आइडेंटिफिकेशन, वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट हैंडलिंग, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, रिकॉर्ड कीपिंग, ट्रेनिंग, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। नेक्स्ट आता है स्टेप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट में। स्टेप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट इंक्लूड ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस जनरेशन, सेग्रीगेशन एंड सेपरेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ट्रीटमेंट एंड फाइनल डिस्पोजल। जनरेशन आएगा कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट, इसको भी दो पार्ट होंगे। ट्रीटमेंट के अंदर आएगा इनसिनरेशन के थ्रू, वेस्ट मिनिमाइजेशन। वेस्ट मिनिमाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन दैट इन्वॉल्व रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन सोसाइटी एंड हेल्प टू एलिमिनेट द जनरेशन ऑफ हार्मफुल एंड
परसिस्टेंट वेस्ट। वेस्ट मिनिमाइजेशन की टेक्निक में सबसे पहला आएगा सोर्स रिडक्शन, दूसरा आएगा रिकवरी, रीयूज एंड रिसाइकलिंग। सोर्स रिडक्शन में आएगा प्रोडक्ट चेंज, प्रोसेस चेंज एंड गुड प्रैक्टिस। प्रोडक्ट चेंज में आएगा प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन, चेंज इन कंपोजिशन, चेंज इन कंसेंट्रेशन। प्रोसेस चेंज में आएगा चेंज इन इनपुट मटेरियल्स, बेटर प्रोसेस कंट्रोल, टेक्नोलॉजी चेंज और मॉडिफिकेशन, चेंज ऑफ ऑपरेशन। उसके बाद गुड प्रैक्टिस में आएगा इम्प्रूव सेग्रीगेशन, प्रोसीड्रल मेजर्स, लूज प्रिवेंशन बेटर, मैनेजमेंट प्रैक्टिस, मटीरियल हैंडलिंग इम्प्रूवमेंट। रिकवरी, रीयूज एंड रिसाइकलिंग ऑन साइट और ऑफ साइट भी हो सकती है। रिकवरी एंड रिटर्न टू ओरिजिनल प्रोसेस। सेकेंड आएगा रिकवरी एंड यूज एज अ रॉ मटीरियल फॉर अनोदर प्रोसेस। नेक्स्ट आएगा प्रोसेसिंग फॉर रिसोर्स रिकवरी एंड एक आएगा प्रोसेसिंग टू क्रिएट अ यूजफुल बाय प्रोडक्ट। वेस्ट आइडेंटिफिकेशन एंड अप्रोप्रिएट वेट of identify the waste is by sorting the waste into different color code. Color code is easy for identification and thereby easy to save handling, transportation and waste management. The color code varies from country to country. WHO recommended color code mein aayega highly infectious ko apan red color mein dalenge, red color dustbin mein. इन्फेक्शन या पैथोलॉजिकल में आएगा येलो डस्टबिन में। रेडियो एक्टिव जाएगा सिल्वर और जनरल वेस्ट आएगा ब्लैक में। कलर कोड प्रैक्टिस इन CMHS। जनरल वेस्ट में आएगा ब्लैक बिन, लिक्विड वेस्ट में आएगा ब्लू बिन, इन्फेक्शियस वेस्ट के लिए आएगा येलो बिन एंड साफ वेस्ट के लिए आएगा रेड बिन। ये है सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस वेस्ट जितना भी है वो येलो के अंदर, शार्प जितना भी है वो रेड के अंदर, लिक्विड जो है वो ब्लू में एंड जनरल वेस्ट जो है वो ब्लैक में डालेंगे अपन। वेस्ट सेग्रीगेशन। वेस्ट सेग्रीगेशन मीन्स डिवाइडिंग और सेपरेटिंग वेस्ट एज एट अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी एट पॉइंट ऑफ ओरिजिन, not allowing hazardous waste to mix up with non-hazardous waste. If waste is properly segregated, small amount are need for disposal instead of large quantity of waste, ultimately related manpower, related cost, related risk lowered. Next aata hai, if segregation is not properly done, small quantity of hazardous waste has a chance to mix with large volume of non-hazardous waste, making the whole volume into infection hazardous waste. Waste handling mein aayega. Waste handling means the link between packing, storage and transportation of medical waste from every area of the institution by diagnosed individual. Outfit of waste handler. Sabse pehle thick gloves honi chahiye haath mein, mask, long sleeve shirt, plastic apron, ट्राउज़र एंड बूट्स। वेस्ट कलेक्शन में आएगा कलेक्टर्स मस्ट वियर प्रोटेक्टिव मटीरियल्स, कलेक्शन ऑफ वेस्ट इन कलर्ड बैग और कलर्ड कवर्ड बिन्स, कंटेंट ऑफ द कंटेनर शुड नॉट एक्सीड देयर क्वार्टर ऑफ इट्स कैपेसिटी। इफ़ बैग इज़ यूज फॉर वेस्ट कलेक्शन, टाई द नेक टाइटली, अवॉइड थ्रोइंग, ड्रैगिंग ओवर फ्लोर और होल्डिंग the bottom of the container. Transportation mein aayega in-house transportation, means transportation of waste from the site of origin or collection of temporary storage area within the institution. Second aayega, waste should be transported by designated trolley through a designated route according to time schedule given by the institutional authority. Temporary in-house storage में आएगा the store will be a room or area or building within the healthcare facility depending upon the quality and quantity of waste production and frequency of waste collection. Next आएगा normally waste should not be stored more than 24 hours. Record keeping में आएगा accurate record keeping is needed for effective medical waste.
रिकॉर्ड कीपिंग माइट गिव सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच आर नीड फॉर असिस्टी रिकरेंट वेस्ट इंसिनरेशन केमिकल डिसइंफेक्शन एंड रेंडर इंसर्ट.